बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा आज सायहापुर पहुंचे। यहां वह प्रबुद्ध वर्ग विचार सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान वो मौजूदा योगी सरकार पर जमकर बरसे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज का सबसे ज्यादा उत्पीड़न भाजपा की योगी सरकार में हुआ है, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा सम्मान और स्थान दिया है। उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों से वोट देकर 2022 में बीएसपी की सरकार बनाने की अपील की है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार कोड और कानून को नहीं मानती है। योगी सरकार को उन्होंने एनकाउंटर वाली सरकार बताया। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश की योगी सरकार में सबसे ज्यादा उत्पीड़न ब्राह्मणों का हुआ है। देखिए ब्राह्मण जो है, मैंने आपको बताया कि ब्राह्मण इस समय पूरे प्रदेश में बहुत ही पार्टी चल रही है जो सत्ता में है उससे बहुत ही दुखी है, और दुखी होकर के उसको इतना प्रताड़ित किया रहा है, बहुत दुखी है। और वो एकजुट होकर के जब हमारे साथ आएगा तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, और ब्राह्मण समाज जिसके साथ जाता है सरकार तो उसकी बनी ही जाती है। 2007 में भी ब्राह्मण समाज ने करके दिखाया। अपराध पर अंकुश लगाने की बजाय वर्तमान सरकार एनकाउंटर पर ज्यादा भरोसा कर रही है। देखिए, ये मैंने बताया कि ब्राह्मण समाज हो या कोई अन्य समाज हो, ये वर्तमान की सरकार कानून पे विश्वास नहीं करती है, वो अदालतों पे विश्वास नहीं करती है। अदालतें बंदी करवा देना चाहिए इनको, अगर खुद ही अदालत है और खुद ही निर्णय ले लेते हैं और एनकाउंटर करके मार देते हैं, तो ये इस सरकार की एक प्रक्रिया है जिसका विरोध पूरे देश में हो रहा है, और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज तो खास तौर से इससे बहुत ही दुखी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ये बोल रहे हैं कि बीएसपी का भाई और लोगों को भी पूछ लेने दिए। स्वामी प्रसाद मौर्य कल ये बोल रहे थे कि बीएसपी का खटिया खड़ी बिस्तरा गोल, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? क्या कह रहे थे? खटिया खड़ी बिस्तरा गोल की बात कर रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ में। हम कुछ नहीं इसके कहना चाहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी अभी कुछ दिन पहले खुद ही बयान दे चुके हैं कि जो मान सम्मान जो बहुजन समाज पार्टी में मिलता था वो हमको आज तक 4.5 साल में नहीं मिला और ना ही मिलने वाला है। तो वो तो खुद ही दुखी है, तो उनके बारे में हम क्या कहें।